आज शहीद स्मारक पहुंचे और आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया। साथ ही इस बारे में सीएम से बात करने का आश्वासन भी दिया। हालांकि चौधरी के आश्वासन के बाद कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने दिल्ली कूच का निर्णय स्थगित कर दिया, लेकिन धरना मांगे पूरी होने तक जारी रखने का ऐलान किया। धरना स्थल पर आंदोलनकारियों से बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जो है 20 दिन से लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं शहीद स्मारक पर धरना है, जो कि अपनी नौकरी बचाने के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 20 दिन से शहीद स्मारक पर पूरे प्रदेश भर के सीएचओ हैं, जो कि सीएचओ हैं जो कि कोविड के अंदर सेवाएं दी थी, और यहाँ पर सिर्फ इस बात को लेकर उनकी सेवाएं 31 मार्च से समाप्त कर दी गई है। संदीप शर्मा हमारे साथ मौजूद है यूनियन के। संदीप जी, आज बातचीत हुई है, किस तरह की आंदोलन चल रहा है आपका और कहाँ कहाँ बातचीत हो चुकी है? देखिए साहब, हमारा सरकार की ओर से कोई डेलीगेशन नहीं होता है, ही नहीं सरकार। हमने धर्मेंद्र सिंह राठौर से 4-5 बार वार्तालाप कर ली। उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री साहब से आपकी बात करेंगे और आपकी बात रखेंगे। कल हम चोरीलाल जी मीणा के नेतृत्व में मिले, हमें 2 दिन का समय दिया साहब। आज हरीश चौधरी जी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? हरीश चौधरी ने हमें पूर्णतः आश्वासन दिया है कि मैं दिल्ली AICC की मीटिंग में जा रहा हूँ और आपकी मांगों को मैं मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा और हाईकमान के सामने। Thank you.